Hello friends, this is N K Mishra and you are watching N K Mishra classes. In this video, you will learn how to speak English well, and by learning some tips, by learning some structures, you can improve your English well. So please watch this video till end. आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स सीखेंगे जिसके जरिए आप इन सभी को ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसे इंग्लिश में बोल भी सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, मैं इन्हीं में से किसी एक को पूछने जा रहा हूँ, कोई एक क्वेश्चन यहीं से करने जा रहा हूँ. इसके लिए आप इन सभी सेंटेंस को दिमाग में रखें क्योंकि आप सही जवाब दे पाएँ. सभी स्ट्रक्चर्स आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा. आप बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे और लिख पाएंगे, मतलब ये राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर पाएंगे. इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और सही से समझने का प्रयास कीजिए. जब भी कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट के जरिए, क्योंकि यह आपका होम ट्यूशन है. आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूं. लेकिन आपका क्वेश्चन इसी टॉपिक से संबंधित होने चाहिए. जो मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हैं, तो मैं जवाब देने के लिए समय निकालूंगा. तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए. अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस वी फोर और उसके बाद ऑब्जेक्ट. फिर यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन कौन सा वर्ब, कौन सा फॉर्म? तो यहाँ पर टेंस के अनुसार कोई भी वर्ब का यूज हो सकता है. हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, मेन वर्ब भी, और कुछ भी, मतलब टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार. सेंटेंस है वह गाना गाकर पैसा कमाती है. तो अब यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर बाय प्लस वर्ब फोर का यूज किया गया है, ये साधन का बोध कराता है, पैसा कमाने का साधन या जरिया का बोध कराता है. इसके लिए बाय प्लस वी फोर का यूज करेंगे. वह गाना गाकर पैसा कमाती है, तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है और इसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव का यूज करेंगे. जैसे शी अर्न्स, वह कमाती है मनी, पैसा, बाय सिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब गाना गाकर वह पैसा कमाती है. तो यहाँ पर टेंस के अनुसार वर्ब फाइव का यूज किया गया है और इसी तरीके से प्रत्येक टेंस में आप सुधा के अनुसार, टेंस के अनुसार वर्ब को बदल सकते हैं. आई सेव मनी बाय वॉकिंग ऑन फुट, मैं पैदल चलकर. अब यहाँ पर बाय के बाद वी फोर का यूज किया गया है, ये भी साधन का बोध कराता है. पैसा, हम पैदल चलकर, यानी मैं पैदल चलकर पैसा बचाता हूँ. आई सेव मनी बाई वॉकिंग ऑन फुट, मैं पैदल चलकर पैसा बचाता हूँ. तो पैसा कैसे बचाता हूँ? पैदल चलकर. ही किल्स टाइम बाई वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, वह यहाँ वहाँ घूमकर समय बर्बाद करता है. कैसे बर्बाद करता है? यहाँ वहाँ घूमकर. यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये भी सेंटेंस है और वर्ब फाइव का यूज किया गया है. आई गेट प्लेजर बाई हेल्पिंग अदर्स, मैं दूसरों को मदद कर खुशी पाता हूँ, मैं दूसरों को मदद कर सुख पाता हूँ. आई सेव मनी बाई नॉट स्मोकिंग, और मैं स्मोकिंग ना करके पैसा बचाता हूँ, मैं स्मोकिंग सिगरेट ना पी करके पैसा बचाता हूँ. और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, मतलब यहाँ पर आप वर्ब टू बी का यूज करेंगे. इज आर एम, वाज एंड वर यूज कर सकते हैं. फिर ग्लैड डैट और क्लॉज का मतलब है डैट के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसे क्लॉज कहेंगे. सेंटेंस है मैं खुश हूँ कि आपने मुझे याद किया है, मैं खुश हूँ कि आपने मुझे याद किया है. खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस प्रकार से बोल सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर ये होगा. आई एम ग्लैड डैट यू हैव रिमेंबर्ड मी. अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आ गया. यहाँ पर हैव प्लस वी थ्री का यूज किया गया है, मतलब आप अपने तरीके से किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं. आई एम ग्लैड डैट यू हैव रिमेंबर्ड मी, मुझे खुशी है या मैं खुश हूँ कि आपने मुझे याद किया है. आई एम ग्लैड डैट यू आर माई फ्रेंड, और मैं खुश हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं. यू आर ग्लैड डैट आई एम टीचिंग यू इंग्लिश,
आप खुश हैं कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, मतलब टेंस तो आना ही चाहिए। अगर आपके पास टेंस का ज्ञान है तो ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है शी इज ग्लैड डैट आई एम गोइंग टू मीट हर, मतलब वह खुश है क्योंकि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल है और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस को आप बनाइए। और दुख प्रकट करने के लिए आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी डैट, लेकिन कैसे? तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम सॉरी डैट और फिर क्लॉज, और क्लॉज का मतलब है डैट के बाद आने वाला सेंटेंस। मैं दुखी हूँ कि आप मुझे भूल गए हैं, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई एम सॉरी डैट यू हैव फॉरगॉटन मी, मैं दुखी हूँ कि यू हैव फॉरगॉटन मी, आप मुझे भूल गए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ भी, जैसे मैं दुखी हूँ कि आप मुझे भूल गए तो यू फॉरगॉट मी, मैं दुखी हूँ कि आप मुझे छोड़कर चले गए तो आप किसी भी सेंटेंस में, मैं दुखी हूँ कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा तो किसी तरह का सेंटेंस हो सकता है। आई एम सॉरी डैट शी हैज़ फॉलन इल, मतलब मैं दुखी हूँ कि वह बीमार पड़ गई है। फॉल इल मीन्स बीमार पड़ना भी होता है, तो यहाँ पर हैज़ फॉलन इल, बीमार पड़ गई है, और किसी के साथ ये सेंटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दुखी हूँ कि वह बीमार पड़ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम सॉरी डैट आई विल नॉट बी एबल टू मीट हर। अब यहाँ पर देखिए आप न्यू चीज़ भी सीख रहे हैं, विल नॉट बी एबल टू मतलब आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, तो उसमें विल बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में विल नॉट बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दुखी हूँ कि आई विल नॉट बी एबल टू मीट हर, मैं उससे मिल नहीं पाऊँगा। अगर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए विल बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं, विल नॉट बी एबल टू नेगेटिव के लिए। तो आगे देखेंगे आई एम सॉरी डैट आई डिड नॉट इन्वाइट यू, मैं दुखी हूँ, आई एम सॉरी डैट कि आई डिड नॉट इन्वाइट यू, मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया, मैं आपको आमंत्रण नहीं किया, मैं आपको इन्वाइट नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। आई एम सॉरी डैट आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, मैं दुखी हूँ कि मैं आपको मदद नहीं कर पाऊँगा। तो आई एम सॉरी डैट आई वॉन्ट बी, आप विल नॉट बी को वॉन्ट बी बोल सकते हैं, तो आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑन अकाउंट ऑफ और उसके बाद फिर नाउन। अगर आपको कोई वजह बतलाना है, कारण बताना है, तो ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, मतलब के कारण या की वजह से। जैसे भारी वर्षा के कारण मैं पटना नहीं गया, ये एक कारण है कि खूब वर्षा होने लगी तो हम पटना नहीं गए। आई डिडंट गो मतलब आई डिड नॉट गो टू पटना ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण मैं पटना नहीं गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, मतलब ये कि आपको टेंस पर कमांड होना जरूरी है, तभी आप किसी प्रकार के सेंटेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेनी पीपल वर किल्ड, अब यहाँ पर देखेंगे कि अब पैसिव है, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है। मेनी पीपल वर किल, बहुत सारे लोग मारे गए ऑन अकाउंट ऑफ राइट्स दंगों के कारण। तो यहाँ पर भी हम वजह बतला रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि मरने का कारण हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है, वर्ब टू बी के साथ में हम यहाँ पर वी थ्री का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है ही डिडंट गेट अ जॉब ऑन अकाउंट ऑफ बींग अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड मतलब ये हुआ कि अनपढ़ होने के कारण उसे जॉब नहीं मिला। तो यहाँ पर भी हमने कारण बताया है, तो ही डिडंट गेट अ जॉब। नेक्स्ट है ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड, सभी दुकान बंद है, सभी दुकान बंद है। अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है एडजेक्टिव के रूप में, तो देख रहे हैं कि अधिक से अधिक बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है। तो ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ संडे, संडे के कारण, संडे है, रविवार है, और इसलिए रविवार के कारण सभी दुकानें बंद है।
He died on account of wrong medicine. इसका मतलब क्या हुआ? Wrong medicine की वजह से, गलत दवा की वजह से वह मर गया. तो इस तरीके से हम on account of का यूज कर सकते हैं. और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वन लाइक प्लस देयर टू बी और उसके बाद फिर नाउन. यहाँ पर चाहना के अर्थ में हम सेंटेंस बोलेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि देश में शांति हो, मैं चाहता हूँ कि हर जगह शांति शांति हो, कुछ भी इस तरीके से बोलना है तो स्ट्रक्चर ये होगा. मैं चाहता हूँ कि देश में शांति हो तो फिर आई वॉन्ट देयर टू बी का प्रयोग जरूर करेंगे, उसके बाद नाउन. पीस इन द कंट्री, तो आई वॉन्ट देयर टू बी पीस इन द कंट्री, मैं चाहता हूँ देश में शांति हो. सी वॉन्ट्स देयर टू बी ऑनेस्टी इन वर्क, वह चाहती है कि काम में ईमानदारी हो. आप जो कार्य करते हैं उसमें ईमानदारी हो, ईमानदारी से काम करें. तो सी वॉन्ट्स देयर टू बी ऑनेस्टी इन वर्क, वह चाहती है कि काम में ईमानदारी हो. अब हम यहाँ पर लाइक का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे बता चुके हैं वांट और लाइक दोनों में से कोई एक का यूज कर सकते हैं. तो आई लाइक देयर टू बी फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पाक, मैं चाहता हूँ, यहाँ पर भी पसंद करना ना बोल के चाहना बोलेंगे हम, जैसे मैं चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो, मित्रता हो. आई डोंट वॉन्ट देयर टू बी वायलेंस इन द कंट्रीज, मैं नहीं चाहता हूँ कि इन देशों में क्या हो, वायलेंस हो, हिंसा हो. मैं नहीं चाहता हूँ कि इन देशों में हिंसा हो, तो आई डोंट वांट का यूज करेंगे, फिर देयर टू बी और उसके बाद फिर नाउन का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट है सी डजंट लाइक देयर टू बी वार, वह नहीं चाहती है कि युद्ध हो, वह नहीं चाहती है कि युद्ध हो. तो यहाँ पर सी डजंट लाइक देयर टू बी यूज जरूर करेंगे, देयर टू बी लिखना जरूरी है. तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने के और देखते हैं आपने कितना सही से आपने सीखा है. तो आज का सवाल है वह झूठ बोल के पैसा कमाता है, वह झूठ बोल के पैसा कमाता है, तो आप कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप कुछ सीख पाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम सिखाने में सफल हों. तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सीखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.